दिल्ली में अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। बैठक पर नोटबंदी पर संसद में चल रही गतिरोध को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा संसद में चलाने के लिए आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। आरबीआई आज क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई दरों में चौथाई से आधा परसेंट की कटौती कर सकता है। नोटबंदी के संभावित असर से निपटने के लिए भी रेट कटौती जरूरी हो गई है। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों से भी साफ हो रहा है कि इंडस्ट्री के मुकाबले एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल ज्यादा रहा है। ऐसे में नोटबंदी न होने पर भी ग्रोथ में तेजी के लिए दरें घटाना जरूरी हो जाता है। ब्याज दरों में कमी के अलावा कई और अहम मुद्दों पर मॉनिटरिंग पॉलिसी की राय अहम होगी। नोटबंदी से आम लोगों की दिक्कतें कैसे कम हों, नोटबंदी के बाद ग्रोथ और महंगाई पर आरबीआई का क्या अनुमान है, नोटबंदी के बाद क्या आरबीआई डिविडेंड देगा और डिविडेंड मिला तो वित्तीय घाटा कितना कम होगा, रुपए में लगातार गिरावट और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने पर दबाव को लेकर भी मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का नजरिया लोगों के सामने आएगा। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने जनवरी 2015 से अब तक रेपो रेट में 2.25% की कटौती की है, लेकिन बैंकों ने इसका पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 100 रुपए के नए नोट जारी करेगा। इसमें नंबरिंग पैनल में इंसर्ट लेटर नहीं होंगे। 100 रुपए के पुराने नोट बतौर लीगल टेंडर जारी होंगे। कुछ दिनों पहले 20 और 50 रुपए के नए नोट जारी करने का ऐलान हुआ था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का फैसला लिया था। इसके बाद से 500 और 2000 रुपए के नए नोट सर्कुलेशन में आए हैं, लेकिन ज्यादातर एटीएम खाली है और कैश की किल्लत है। कैश की परेशानी को दूर करने के लिए आरबीआई ने 100, 50 और 20 रुपए के नए नोट जारी करने का फैसला लिया है। जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज 2005 में 20 रुपए के नए नोट जारी किए जाएंगे। 20 रुपए के नोट में दोनों नंबर पैनल पर एल लेटर होगा। इन नोटों में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के सिग्नेचर होंगे। 50 रुपए के नए नोट में दोनों नंबर पैनल में इंसर्ट लेटर नहीं रहेगा। इन नोटों में बाकी सिक्योरिटी फीचर्स पुराने नोटों की तरह ही होंगे। मुंबई के बांद्रा इलाके में बहरामपाड़ा में आग लगने से करीब 20 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग पर लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। करीब दर्जन भर गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में ही कोहरे ने पूरे उत्तर भारत में कोहरा मचाया हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, हर शहर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण ट्रेनें लेट हैं और सड़कों पर ट्रैफिक जैसे थम सा गया है। विजिबिलिटी कम होने के कारण गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। 81 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। देरी के कारण 21 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। ज्यादा देरी होने के कारण 3 लेटों को कैंसिल कर दिया गया है। कई ट्रेनें 12 घंटे से ज्यादा लेट चल रही हैं। ट्रेन लेट होने के कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानियां हो रही हैं। वहीं घने कोहरे का असर अब दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स पर भी पड़ने लगा है। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली कई फ्लाइट्स लेट हैं। 8 इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेट हैं, जबकि 5 डोमेस्टिक फ्लाइट्स तय समय से देरी की उड़ान भरेंगी। कोहरे को देखते हुए 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है।